नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं और पीएम मोदी मिशन मध्य प्रदेश पर हैं। शहडोल में उन्होंने सिकल सेल एनीमिया मिशन लॉन्च किया और मध्य प्रदेश में जन आरोग्य योजना के कार्ड का वितरण भी। इसी सेवा भाव से लोक कल्याण में समर्पित माननीय प्रधानमंत्री जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं सज्जनों। जैसे कि आप सभी, ये संकल्प है दुर्गावती जी का बलिदान, सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्ति का, आदिवासी समाज के प्रति बेरुखी के चलते पहले की सरकारों के लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं था, लेकिन आदिवासी समाज की इस सबसे बड़ी चुनौती को हल करने का बीड़ा अब भाजपा की सरकार ने, हमारी सरकार ने उठाया है। हमारे लिए आदिवासी समाज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए संवेदनशीलता का विषय है। जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं, उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। जब वो मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। जब वो मुफ्त सफर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज्य की यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है। जब वो रोजगार बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो वहां के उद्योग धंधों को चौपड़ करने वाली नीतियां लेकर के आएंगे। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट, यही है उनके खेल। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी मध्य प्रदेश में प्रचार शुरू कर दिया है। उनके निशाने पर केंद्र सरकार रही। उन्होंने कहा कि इतनी महंगाई में आम लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान ला दी है तो क्या पाप किया है। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी ग्वालियर में मौजूद थे। भारत माता की, भारत माता की, सात फ्री की रेवड़ी देता हूं मैं, सात फ्री की रेवड़ी। मोदी जी मेरे से बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज है मोदी जी मेरे से। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको ये सात रेवड़ियां चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बता दो, ये फ्री की रेवड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी इतनी महंगाई कर रखी है आपने, चारों तरफ इतनी महंगाई कर रखी है। मैंने अगर हर इंसान की चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान ला दी तो बताओ मैंने क्या पाप कर दिया। जैसे दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ के फेंका, जैसे पंजाब के लोगों ने बीजेपी कांग्रेस अकाली दल को उखाड़ के फेंका, एक मौका आप लोग आम आदमी पार्टी को देके देखो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इस मामा को भी भूल जाओगे और मामा के सारे इन चेले चपाटों को भी भूल जाओगे। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर गुरुवार को हमला हुआ था। इसमें वो मामूली रूप से घायल हो गए थे, उन पर गोलियां चलाई गई थी। अब इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि तीन आरोपी यूपी के और एक हरियाणा का रहने वाला है। ये चारों आरोपी जो हैं वो पकड़े गए हैं और फिलहाल पुलिस जो है इनके बारे में ये जानकारी दे रही है कि कहाँ के हैं। लेकिन और जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का। सौरभ, और क्या जानकारी मिल रही है इन तीनों के, चारों के बारे में बताया गया है कि कहाँ के रहने वाले हैं, पकड़े गए हैं, सिर्फ ये चार हैं या और भी हैं, क्या मकसद था, क्या कुछ पता चल पाया है? देखिए, चारों एक स्विफ्ट गाड़ी में आए थे और ये जिनमें से जो तीन है कादम्बनी वो सहारनपुर के देवन के गांव है रणखंडी, वहां के रहने वाले हैं। और ये चारों ही युवा हैं
चारों ही अडल्ट हैं और आपस में दूसरे से जान पहचान भी थी। तीन तो ये सहारनपुर के देवबंद के रहने वाले हैं और एक आरोपी है वो हरियाणा का रहने वाला है, करनाल का बताया जा रहा है। इनको आज ही अरेस्ट किया गया है और इनको हरियाणा के अंबाला से अरेस्ट किया गया है और इनको पुलिस सहारनपुर लेकर के आ गई है, इनसे पूछताछ की जा रही है। और आपको पता ही है कुल लगभग 6 राउंड फायर किए थे इन्होंने, 4 राउंड इन्होंने चंद्रशेखर के को जान से मारने की मंशा पर उसकी गाड़ी पर फायर किए थे और 2 राउंड इन्होंने बाद में हवा में फायर किए। इन्होंने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया, जिस स्विफ्ट गाड़ी का इस्तेमाल किया था उसको पुलिस ने शुक्रवार को ही रिकवर कर लिया था। इन लोगों की पहचान भी कर ली गई थी और लगातार पुलिस की कई टीमें इन लोगों को ढूंढ रही थी। अब इनसे पूछताछ की जा रही है, थोड़ी देर में इनको आज चूंकि सैटरडे है तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके इनकी रिमांड भी ले ली जाएगी और थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और जो इनकी मंशा है वो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरीके से कई मुद्दों पर मुखर रहे हैं चंद्रशेखर, तो वैचारिक मतभेद के चलते इन्होंने पूरी जानलेवा कोशिश करी कि वो चंद्रशेखर को मार दे। तो फिलहाल इन चारों का को अरेस्ट कर लिया गया है। इनके पीछे जो मददगार लोग हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। ये चारों आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तीन तो एक ही गांव के रहने वाले हैं, तो समझ सकते हैं कि आपस में उन्होंने प्लान किया, लोग घात लगाकर बैठे थे, इनको पता है था कि उस दिन चंद्रशेखर कहाँ है और कहाँ से कहाँ जाएंगे। और ये हमला भी चंद्रशेखर की गृह जनपद पर हुआ उन पर देवबंद में इनके गांव के पास ही हुआ। तो इनका अरेस्ट हो गया है और पुलिस थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको औपचारिक करेगी और इनकी क्या मंशा थी, इनके नाम क्या है और किस तरीके से उन्होंने अंजाम दिया पूरी घटना को, वो भी पुलिस बताएगी। कादम्बिनी, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रुख करते हैं हम पटना का। आज पटना के शिक्षकों पर बिहार सरकार के डोमिसाइल नीति के विरोध में शिक्षक अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये प्रदर्शन पटना के गांधी मैदान के पास शुरू हुआ और उसके बाद डाकबंगला चौराहे पर ये पहुंच गए, जहां इन्हें हटाने में पुलिस ने बल का प्रयोग किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिन तक ये सत्र चलेगा और इसमें 17 बैठकें होंगी। इस सत्र में कई अहम विधेयक पेश होने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया है कि संसद का मॉनसून सत्र 2023-20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। मैं सभी पार्टियों से मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और दूसरे काम में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बनी महाराष्ट्र सरकार के कार्यकाल को अब 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल में जहां ये सरकार कई विवादों में घिरी रही, तो वहीं एकनाथ शिंदे अधिकांश विधायक सांसद के साथ ही शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह को अपने पास रखने में कामयाब रहे। देव देश आणि धर्मासाठी म्हणून फडकला भगवान वादळा दही नेतृत्वाने कवित घेतला अखा आसमंत। इस वीडियो में ये बताने की कोशिश की गई है कि देव देश और धर्म के लिए महाराष्ट्र सरकार किस तरह से पिछले 1 साल से काम कर रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे शिवसेना के ज्यादातर विधायकों, सांसदों और साथ ही पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को अपने पास रखने में कामयाब रहे हैं। आज शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी का एक स्वप्न पूर्ति का हम दिन आज सब मना रहे हैं और बाला साहेब ठाकरे जी का एक सपना था कि शिवसेना का एक शिवसैनिक, जो निष्ठावंत शिवसैनिक है, वो महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री होना चाहिए और वो सपना आज भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 1 साल पूरा हुआ है। उसका वो सपना पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पूरा हुआ है। हालांकि पिछले 1 साल में शिंदे सरकार
बहुत सारे विवादों के घेरे में रही। हाल ये है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक नहीं हो पा रहा है। आरे में मेट्रो कार शेड, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स को लेकर पिछली सरकार के निर्णयों को बदलने के कारण विवाद हुआ। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स दूसरे राज्यों में जाने पर भी सवाल उठे। किसानों की समस्याओं और समुदायों के बीच बढ़ते तनाव के कारण भी सरकार निशाने पर रही है। एक साल बीत गए, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए। हमारी कोई एक भी माता बहन मंत्रिमंडल में स्थान नहीं पा सकी। जो भी बड़े बड़े उद्योग धंधे हमारे राज्य में आने वाले थे वो दूसरे राज्यों को चले गए। किस बात का ढिंढोरा भाई? आपको जो जनता खोखे सरकार बोलती है ना, यूं ही नहीं बोलती। आज जरा सी मुंबई में बरसात हो रही है, पिछले 3 दिनों से अंधेरी सबवे में पानी भर जा रहा है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि शिवसेना कैसे काम करती थी। अगले साल होने वाले चुनावों से पहले महाराष्ट्र सरकार की कोशिश है कि जिस हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी और शिंदे ने मिलकर सरकार बनाई थी उसे वो आगे ले जाए। इसलिए सरकार की ओर से कई जिलों और प्रोजेक्ट्स के नाम भी बदले गए। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव, अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर, बांद्रा वर्सोवा सीलिंग का नाम सावरकर सेतु रखा गया। मुंबई कोस्टल रोड का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखे जाने का ऐलान किया गया और साथ ही MTHL प्रोजेक्ट का नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति नावा सेवा अटल सेतु रखा गया है। हालांकि चुनावी साल में सरकार के सामने एक चुनौती अपने ही गठबंधन को बरकरार रखने की रहने वाली है। 2024 में चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, इसे लेकर दोनों में विवाद बरकरार है। शिवसेना की ओर से एक सर्वे के आधार पर अखबार में इश्तेहार देकर जहां ये बताने की कोशिश की गई कि राज्य में एकनाथ शिंदे को लोग देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा पसंद करते हैं, तो वहीं सरकार के एक साल पूरे होने के मौके पर एक नए इश्तेहार में फिर एक बार शिंदे सरकार का नारा देकर शिंदे को गठबंधन में बड़ा नेता बताने की कोशिश दिख रही है। ऐसे में विपक्ष के अलावा अपने गठबंधन में चल रही परेशानियों को खत्म करना इस सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। मुंबई से राजेंद्र दयालकर के साथ सुमित मिश्रा, NTV। उधर BMC चुनाव से पहले आज ताकत दिखाने आदित्य ठाकरे निकले हैं। आदित्य ठाकरे ने शनिवार को भी मोर्चा निकाला था और आरोप लगाया था कि 1.5 साल से BMC में भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि BMC पर CAG की रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने SIT जांच के आदेश दे दिए हैं। और इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा। बीएमसी दफ्तर के ठीक सामने शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने जिस तरह से मोर्चा किया, इस मोर्चा में ना केवल वो एग्रेसिव नजर आए बल्कि कई आरोप लगाए हैं बीएमसी पर भी। पहले अगर आप भीड़ को देखें तो इस भीड़ के जरिए कहीं ना कहीं शिवसेना की ओर से, शिवसेना उद्धव गुट की ओर से एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, जहां पर उन्होंने बताया कि मुंबई पर अभी भी वो बड़े पैमाने पर उनका कंट्रोल मौजूद है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जो मौजूदा प्रशासन है उनकी ओर से, चाहे वो फर्नीचर स्कैम हो या फिर रोड स्कैम हो, इस तरह से अलग अलग करप्शन किया गया है। आमतौर पर एजुकेशन या डेवलपमेंट की बात करने वाले आदित्य ठाकरे ने जाते जाते कहा कि आपने हाल ही में बाला साहेब ठाकरे की एक जो तस्वीर थी और जो बांद्रा में शिवसेना की शाखा थी उस पर हथौड़ा चलाया है। जब हम सत्ता में लौटेंगे हम ये इंश्योर करेंगे कि आप लोगों पर बुलडोजर चले। तो ये एक अलग रूप जो है आदित्य ठाकरे का देखने मिला है और ये चुनावों से पहले जिस तरह से हो रहा है उससे समझा जा सकता है कि चुनाव की तैयारी शिवसेना उद्धव गुट की ओर से शुरू हो चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर जब ये पूरा चीज चल रहा था, आदित्य ठाकरे भाषण दे रहे थे, उनके करीबी माने जाने वाले राहुल कनाल एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। ऐसे में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के साथ ही अगर कोई मोर्चा करता है तो कहीं पर पक्ष प्रवेश हो रहा है और दोनों ही गुटों के बीच में जो शुरुआत से ये कॉम्पिटिशन है वो अभी लगातार जारी है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोज के साथ सोहित मिश्रा, NTV। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त शहडोल में हैं, वहां पकाड़िया गांव में आदिवासी समाज के लोगों से मिल रहे हैं। सीधा वहीं चलते हैं। शिक्षा ही जीवन की बुनियाद है और इस बुनियाद को महसूस करना किया गया, इस बुनियाद को मजबूत करने के लिए और खासतौर पर जनजाति समुदाय के लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में इसको मजबूत करने के लिए इन विद्यालयों की स्थापना की गई थी। और इसका एक बदलाव हम जनजाति समाजों में लगातार हम देख रहे हैं कि बच्चे जो कि पहले स्कूल नहीं जाते थे, कहीं ना कहीं धन के अभाव में तमाम विपरीत परिस्थितियों के कारण, अब वो भी जो है लगातार इन विद्यालयों के माध्यम से अब वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
तो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आज मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। इसके पहले उन्होंने सिकल सेल एनीमिया के इराडिकेशन के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया और उसके बाद यहाँ पर आदिवासी समाज से वो मुलाकात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। इस बीच हंसी मजाक भी हो रहा है उनके बीच में, कुछ टिप्स प्रधानमंत्री देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में वहां का माहौल